ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका आईआईटी एडवांस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में अगर आप एनालिसिस करने की कोशिश करो तो आपको क्या दिखता है, सबसे पहले रिएक्शन उसने कराई है HgSO4 H2SO4 की, जो ये दिखाती है कि ट्रिपल बॉन्ड पे यहाँ पे वाटर का एडिशन होगा विद मार्कोनिकोफ रूल। अगली रिएक्शन ये दिखाता है क्या, AgNO3 NH4OH दैट इज सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉम्बिनेशन है, इसको दूसरी भाषा में टॉलेंस रिएजेंट भी बोलते हैं। और टॉलेंस रिएजेंट का काम होता है कि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है CHO उसको COOH करता है, मतलब एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। अगला है आपका जिंक अमलगम दैट इज ZnHa कंसेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में, दिस रिएक्शन और दिस रिएजेंट इज नोन एज योर क्लिमेंशन रिडक्शन। और क्लिमेंशन रिडक्शन क्या करता है कि अगर आपके पास कोई कीटोन या एल्डिहाइड हो उसको रिड्यूस करके नॉर्मल एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इतना सब कुछ करने के बाद हमें क्यू मिलेगा, देन उसके बाद आप देखोगे तो क्यू के ऊपर उसने SOCl2 का अटैक कराया है, जो क्या करता है यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना था उस कार्बोक्सिलिक एसिड को एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा COCl में। देन AlCl3 यहाँ पे फ्रीडक्राफ्ट रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से फ्रीडक्राफ्ट एसाइलेशन हो जाएगा। देन उसके बाद फाइनली जो प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे R, उस पर जिंक अमलगम का रिएक्शन होगा, और जिंक अमलगम फिर से जैसा कि यहाँ दिखाया था जिंक अमलगम उसी तरीके से यहाँ पे भी क्लिमेंशन रिडक्शन करेगा, और क्योंकि कीटोन या एल्डिहाइड होगा तो उसको हाइड्रोकार्बन मतलब CH2 ग्रुप में C डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट कर देगा, देन फाइनली आपको S मिल जाएगा। तो सबसे पहले बना लेते हैं अपना स्टार्टिंग रिएक्टेंट। स्टार्टिंग रिएक्टेंट इसने क्या बनाया है उसको देखते हैं। स्टार्टिंग रिएक्टेंट ये बनाता है, एक बेंजीन रिंग है, देन उसके ऊपर एक कार्बन है विद हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, ओके, देन यहाँ है एक CH2, देन आपके पास फाइनली यहाँ पे एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और यहाँ आपके पास OMe लगा हुआ है। इतना सब कुछ करने के बाद इस पर अटैक कराता है किस चीज़ का, अटैक कराता है आपका HgSO4 प्लस H2SO4। ऑल द हमारे रिएक्शन के अंदर HgSO4 ने लिखा है, वहाँ Hg2+ लिखा हुआ है, और Hg2+ इज इक्विवेलेंट टू HgSO4। तो जब हमें रिएक्शन देखने को मिलता है तो हमें बुक्स में टेक्स्ट में यही पढ़ने को मिलता है कि HgSO4 प्लस H2SO4। ये HgSO4 H2SO4 क्या करेगा, इधर ट्रिपल बॉन्ड पे वाटर का एडिशन करवा देगा, और यहाँ पे जो आपको डिल्यूट लिखा हुआ दिख रहा है, डिल्यूट का मतलब है कि हम यहाँ पे वाटर अपने आप से अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारा वाटर होगा, वो वाटर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उससे क्या बनेगा देखते हैं। इससे आपका ये कंपाउंड बन जाता है, और अगर इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो एक्चुअली में ये कुछ इनोल फॉर्म में है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड देन सी देन ओ एच, ये इनोल दिख रहा है आपको, ये अपने आप को टॉटोमराइज करके और स्टेबल कर लेगा। इट मीन्स कि ये क्या कर देगा, ये अपने आप को टॉटोमराइज करके यहाँ पे कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड फाइनली इट विल गिव यू तो आफ्टर फर्स्ट रिएक्शन यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। दिस थिंग उसके बाद क्या कराता है जरा ध्यान से देखना, इसके बाद आपको कराता है क्या, इसके बाद कहता है कि आपने इस पे अटैक कराया AgNO3 का प्लस NH4OH, और ये NH4OH कहलाता है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस AgNO3 दिस इज कलेक्टिवली नोन एज योर टॉलेंस रिएजेंट। और टॉलेंस रिएजेंट का मैंने आपको पहले ही बताया क्या काम होता है, ये जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। इट मीन्स कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एल्डिहाइड का, एंड दिस विल गिव यू COOH, तो दिस विल फॉर्म समथिंग लाइक दिस CH2 CH2 देन C डबल बॉन्ड O
OH, और यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक बेंजीन रिंग, देन हैविंग OM यहाँ। देन इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ZnHg डेट इज जिंक अमलगम इन एसिडिक मीडियम डेल्यूट HCl के साथ, कंसेंट्रेटेड HCl के साथ आपका कहलाता है क्या, क्लेमेंशन रिडक्शन। और क्लेमेंशन रिडक्शन का क्या काम होता है ये मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। क्लेमेंशन रिडक्शन का ये काम होता है कि अगर आपके पास कोई कीटियन या फिर एल्डिहाइड का सी डबल बॉन्ड हो तो उसको रिड्यूस करके डबल बॉन्ड ओ को हटा के दोनों तरफ हाइड्रोजन्स लगा देता है। इट मीन्स आई कैन से कि आपके जो कीटोन और एल्डिहाइड का सी डबल बॉन्ड ओ को से CH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो ये इसका काम है। तो जब यही काम उसने हमारे इस मॉलिक्यूल पे किया तो ऐसा करने पे फाइनली हमारे पास क्यू आ जाएगा। तो क्यू क्या होगा जरा ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। क्यू ऐसा कुछ है कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है और ये आपका COOH है। तो उसने क्या किया, उसने इस कीटोन वाले ग्रुप को रिड्यूस करके इसको भी CH2 बना दिया। और बाकी इसके पैरा पे जैसे कि आपको दिख रहा है इसके पैरा पे OM लगा, तो यहाँ पे इसके भी पैरा पे मैं यहाँ पे OM लगा दूँ एज इट इज। देन इसके बाद आपसे कहता है कि इसकी रिएक्शन हुई किससे, इसकी रिएक्शन हुई आपकी SOCl2 से। और मैंने आपको पहले ही बताया कि SOCl2 क्या करता है। SOCl2 का बस एक छोटा सा काम है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा COOH उसको एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट कर देगा। तो यू गेट समथिंग लाइक CH2CH2CH2 देन C डबल बॉन्ड OCl हियर एंड OM हियर, ठीक है जी। इसके बाद आपको कहता है क्या, इसके बाद कहता है कि आपने क्या किया, आपने फिर से इसकी AlCl3 से रिएक्शन कराई। और जैसा कि मैंने बताया था ये तो AlCl3 यहाँ पे फ्यूरलक्राफ्ट रिएक्शन देगा। जो ये कार्बन आपका दिख रहा है ये फ्यूरलक्राफ्ट रिएक्शन करके इस कार्बन पे जुड़ जाएगा और इसका सब्स्टिट्यूशन इस ऑर्थो पोजिशन पर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू CH2। ऐसा करने पर यू विल गेट द प्रोडक्ट कैसा, यहाँ पे कितने कार्बन एक बार काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कि यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बन जाएगी समथिंग लाइक दिस विद हैविंग डबल बॉन्ड ओ हियर। फाइनली जब ये सब कुछ हो जाएगा तो आपसे कह रहा है कि लास्ट में रिएक्शन क्या कराया, एक लास्ट रिएक्शन उसने कराया जिसमें वो आपसे कहता है कि फिर से आपने ZnHg जिंक अमलगम कंसेंट्रेटेड HCl, मतलब कि फिर से आपने क्लेमेंशन रिडक्शन किया। और क्लेमेंशन रिडक्शन मैंने आपको पहले ही बोला कि किसी भी कीटोन या एल्डिहाइड कार्बन के सी डबल बॉन्डों को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। इट मींस कि ये क्या करेगा क्लेमेंशन रिडक्शन, ये जो आपको कीटोन का सी डबल बॉन्ड दिख रहा है इसको हटा के यहाँ पे दो हाइड्रोजन लगा देगा। फाइनली यू विल गेट दिस प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा OME। अब चेक करते हैं जब हमने सारी सीक्वेंस लिख ली है तो फाइनली हमें क्या क्या मिला जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पहले आपका हुआ HgSO4 H2SO4 देन टॉलरेंस रिएजेंट देन क्लेमेंशन रिडक्शन देन विल गेट दिस प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट विल नोन एज योर क्यू। तो दिस विल बी योर क्यू प्रोडक्ट। देन उसके बाद कहता है आपसे SOCl2 की रिएक्शन कराया, AlCl3 की रिएक्शन कराया, देन विल गेट द प्रोडक्ट कॉल R। तो दिस इज योर R प्रोडक्ट। देन कहता है कि फिर से क्लेमेंशन रिडक्शन कराया, यू विल गेट द एस प्रोडक्ट, देन दिस विल बी योर एस प्रोडक्ट। तो फाइनली अपने ऑप्शंस पे चेक करने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन कौन सही है। क्या हमारा आर ये है, नहीं गलत है। क्या हमारा एस ये है, ओके एस सही है। क्या हमारा क्यू ये है, ओके क्यू सही है। क्या हमारा आर ये है, ओके ये सही है। क्या हमारा आर ये है, ओके ये भी सही है। क्या हमारा एस ये है, ओके ये भी सही है। क्या हमारा क्यू ये है, नहीं जी ये गलत है। क्या हमारा आर ये है, नहीं जी ये गलत है। दैट्स वाई फाइनली आंसर क्या लॉक करूँ, फाइनली आंसर मैं दूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मोर देन वन करेक्ट में, आंसर होगा B एंड C। थैंक यू।